वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलन में आपका स्वागत है। दोस्तों जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में रखा बेल आइकन को भी दबा दीजिए सबसे पहले नया नया वीडियो पाने के लिए। आज दोस्तों लेके आया हूँ आईसोनिक्स के यूएसबी MP3 प्लेयर। तो आईसोनिक्स के यूएसबी MP3 प्लेयर FM रेडियो, तो इसका जो प्रॉब्लम है इसमें साउंड नहीं आ रहा है। देखिए ये आईसोनिक का है प्रोडक्ट, तो इसको जो है मैं चेक करूँगा। अभी ऑन कर रहा हूँ, देखिए इसको मैं इसको लाइन दे रहा हूँ। ठीक है, लाइन आ गया इसमें। तो अभी इसको काट दिया डालूँगा, ये तो चल रहा है ठीक है, लेकिन इसका साउंड प्ले नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसका यही प्रॉब्लम है। थोड़ा साउंड भी देख लेता हूँ, देखिए 60 वॉल्यूम में चल रहा है लेकिन इसका साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका जो है साउंड आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका जो साउंड आईसी है इसे मैं रिप्लेस करूँगा। तो रिप्लेस करने के लिए पहले इसको थोड़ा इसको बंद कर लेंगे, खोल लेंगे। ये साउंड आईसी R8 लेक का है, तो इसको चेंज करेंगे। इसमें चेंज करने के लिए इसको देख के बैठाना पड़ेगा। इसके एक नॉच होता है ठीक है, वो नॉच देख के बैठाना पड़ता है। तो इसका जो नंबर है वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी थोड़ा इसमें पेस्ट लगा लेता हूँ क्योंकि अच्छी तरह से उठ जाए। हॉट एयर गन से इसको आईसी को उठाना है, तो इसको पेस्ट लगा लिया क्योंकि ज़्यादा हीट लगने से बोर्ड भी बोर्ड का फॉइल जो है उखड़ सकता है। अच्छी तरह से हीट करके अगर आईसी को उठाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना जल्दी तो ख़राब नहीं होता है इसका साउंड आईसी, लेकिन क्या होता है छेड़खानी अगर कोई कर दे तो हो भी सकता है। इसके अंदर शायद किसी ने छेड़खानी किया है पहले, इसका बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो वो पूरा डेड हो गया था, इसका जो PF कैपेसिटर ब्लास्ट हो गया था ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है। तो उधर मैं PF कैपेसिटर भी लगा दिया इसके नीचे ही है, तो इसका जो है वो LED लाइट भी नहीं जल रहा था। तो देखिए IC मैंने उठा लिया, इसको रख देंगे। अब नया दूसरा IC हम इसमें डालेंगे। और ये देखिए ये IC है, इसका नंबर है, हम दिखा रहा हूँ, इसका नंबर 8002 होगा। तो मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको दिखाता हूँ इसका नंबर देखिए 8002 है। तो ये इसका साउंड आईसी है। साउंड आईसी मतलब एम्पलीफायर, इसका स्पीकर में आउटपुट होता है, ऑडियो इन होता है, एक वोल्टेज का दो पिन होता है ठीक है, ऑडियो नेगेटिव पॉजिटिव और ऑडियो इन का भी होता है। फिर वो ऑडियो एम्पलीफाई होके स्पीकर में आता है। तो इसको थोड़ा लेग को क्लीन कर लेंगे क्योंकि वो लेग में थोड़ा क्लीन करने से वो रस्ट रहने से अच्छी तरह से बैठता नहीं, इसीलिए क्लीन कर लिया। और इसका सही तरीके से बैठाना पड़ेगा। बोर्ड में इसका एक नॉच होता है, बोर्ड में इसका वही मिला के बैठाना पड़ता है। आईसी के ऊपर भी एक नॉच होता है, बोर्ड में भी मार्क होता है, तो उसी देख के हम बैठा दिया नॉच को देख के। तो अभी इसको शोल्डर कर देंगे ठीक है, अच्छी तरह से शोल्डर कर देंगे। इस साइड तो हो गया, बीच वाला जो है हाँ अच्छी तरह से हो गया शोल्डर। तो अभी इस साइड का भी शोल्डर करेंगे, देखिए अच्छी तरह से शोल्डर कर दिया। इसमें यही एक स्पीकर के साउंड के लिए आईसी है, एक ही आईसी दिया हुआ है। तो अभी इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अगर अगल बगल कोई पिन के अंदर कनेक्शन हो जाएगा तो आईसी उड़ जाएगा फटाक से। तो अभी क्लीन कर दिया, अभी इसको हम लाइन देके चलाएंगे। तो अभी देखिए इसका ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, देखते साउंड आता है कि नहीं आता है। अभी वोल्टेज दे दिया, अभी इसका स्विच ऑन करके देखते साउंड आ रहा है। साउंड अभी इसमें
कम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कनेक्शन दिया हुआ ना उसका एम्पियर थोड़ा कम है, इसीलिए बंद हो गया फुल साउंड आने से। देखिए दोस्तों, इसका साउंड आ गया, तो इसका यही प्रॉब्लम था साउंड का, जो कि ये MP3 प्लेयर में आया था FM रेडियो वाला आईसोनिक का। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नया नया वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आता है उसका ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर प्रयास करता हूँ। तो मेरा जो वीडियो है अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।